नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। कोई माने या ना माने, मोदी पर अथाह विश्वास केवल हिंदुस्तान को ही नहीं है बल्कि अब पूरी दुनिया में मोदी का डंका बज रहा है। यह मोदी के प्रताप का ही कमाल है जो आज विश्व अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस की तरफ नहीं देखकर भारत की ओर उम्मीदों से देख रहा है। हालांकि भारत खुद इस वायरस की चपेट में है, मगर बावजूद इसके भारत दुनिया के ज्यादातर मुल्कों की मदद को आगे आया है। श्रीलंका को 10 टन दवाई भेजी गई है, मालदीव को 5 टन, नेपाल को मेडिकल उपकरण एवं दवाइयां, इजराइल, बांग्लादेश को भी मदद दी जा रही है। जिस अमेरिका की तरफ दुनिया देखा करती थी, वे आज भारत के सामने पैरासिटामोल और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के लिए हाथ फैलाए हुए हैं, जिसे अब जाकर भारत ने देने का फैसला कर लिया है। पर मामला यही खत्म नहीं हो जाता। अभी जिस देश ने पीएम मोदी का गुणगान किया है, उसका नाम ब्राजील है। ये वही देश है जो एक जमाने में एंटी इंडिया के नाम से मशहूर था। ब्राजील के राष्ट्रपति बोलसोनारो ने पीएम मोदी की तुलना बजरंगबली से करके उनका कदर बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा है कि बजरंगबली किस तरह लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लाए थे और उनकी जान बचाई थी, आज भारत द्वारा भेजे गए मेडिकल उपकरण इस संक्रमण से निपटने में मददगार बन रहे हैं। भारत से आ रही दवाइयां ब्राजील की जनता के लिए उम्मीदों की संजीवनी है। चौंकाने वाली बात यह है कि यह वही ब्राजील है जिसने भारत की आपत्तियों के बावजूद वर्ष 2009 में पाकिस्तान को 100 MR1 एंटी रेडिएशन मिसाइल बेची थी। साल 1961 में भारत ने पुर्तगाल शासन से गोवा आजाद कराया तो ब्राजील उनका सबसे बड़ा हितैषी बनकर उभरा था। खास बात यह है कि यही ब्राजील 2016 से पूर्व तक पाकिस्तान का साथ देता रहा और भारत को चिढ़ाने की कोशिशों में अग्रणीय रहा है, मगर आज भारत की तरफ टकटकी लगाए देख रहा है। यानी भारत उसको दी जा रही मदद बिल्कुल भी ना रोके और ब्राजील विपदा से निकल जाए। दुनिया की हालत यह है कि उनसे अपने ही आंकड़े काबू में नहीं किए जा रहे हैं, जिस वजह से बहुत से देशों की तरफ ध्यान ही नहीं है। बड़े क्षेत्रफल में पहला ब्राजील आज कोरोना से बुरी तरह जूझ रहा है। यहां 506 लोगों की मौत हो चुकी है और 12,300 के लगभग वायरस से संक्रमित है। ब्राजील में एक बड़ी आबादी अमेजन के जंगलों में आदिवासियों के समूह में रहती है। ये आदिवासी एक दूसरे के करीब हैं। इनके पास ना साबुन है और ना हैंड सैनिटाइजर है। ऐसे में यहाँ से 5 से ज्यादा संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। ब्राजील सरकार की चिंता यही है कि अगर यह संक्रमण इनके बीच फैल गया तो यहाँ लाखों की संख्या में मौतें हो सकती है। ब्राजील राष्ट्रपति बोलसोनारो ने मोदी के सामने अपनी इसी चिंता को रखकर मदद की गुहार लगाई थी, जिसे मानवीय आधार पर मोदी ने मदद भेजने का आश्वासन दिया था। दरअसल इस वक्त भारत मेडिसिन का सबसे बड़ा हब बन गया है। इस मामले में चीन बहुत पीछे छूट चुका है। भारत की मेडिसिन या मेडिकल उपकरण विश्वसनीय होने के साथ अंतरराष्ट्रीय बाजार के अनुकूल भी है। अब जो लोग सवाल उठाते हैं कि भारत इस वक्त दुनिया में मददगार बनकर क्या हासिल कर पाएगा, तो उन्हें यह समझना भी जरूरी है कि भारत केवल वही चीजें दूसरे देशों को निर्यात कर रहा है जिनका भारत में अतिरिक्त भंडार है। इस वक्त भारत 2 लक्ष्यों पर एक साथ काम कर रहा है। भारत अपने उत्पाद दुनिया के देशों में भेजकर भविष्य के लिए एक बड़ा बाजार तैयार कर रहा है। वहीं उन देशों से भी अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है जिनके भारत के साथ तालमेल ज्यादा बेहतर नहीं रहे हैं। इस कड़ी में केवल ब्राजील का ही नाम नहीं है बल्कि जो तुर्की पाकिस्तान के लिए दो दो तहमंद लेकर चलता था, उसको भी भारत ने मदद भेजी है। मलेशिया को मेडिकल उपकरण भेजे गए हैं। चीन को भी 5 टन से ज्यादा मास्क और दवाइयां भेजी गई थी। खास बात यह है कि पाकिस्तान को कोई भी देश इस तरह की मदद भेजने के लिए आगे नहीं आया है। चीन ने जरूर उसे अंडरवियर के मास्क बनाकर भेजे थे, जिसका मतलब यही निकाला गया कि वह पाकिस्तान को इससे ज्यादा इज्जत नहीं दे सकता। पाकिस्तान इस वक्त पूरी तरह अलग थलग है। भारत उसके मित्र देशों की मदद करके उसके जख्मों पर नमक छिड़क रहा है, जबकि पाकिस्तान को अफगानिस्तान जैसे देश से $20 लाख उधार मांगने पड़े हैं। इसके बाद यह भी साफ हो गया है कि सार्क के इमरजेंसी फंड में पाकिस्तान पैसा क्यों नहीं दे सका। आज पूरी दुनिया मुश्किल में है, भारत भी इस मुसीबत से जूझ रहा है, मगर विश्वगुरु की उसकी भूमिका का इम्तिहान भी यही है। यकीनन मोदी देश को इसमें उत्तीर्ण करने की तरफ बढ़ रहे हैं। कल जब यह संकट के बादल छटेंगे तो भारत एक नई ताकत और हौसले के साथ सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़ा होगा और उस वक्त दुनिया का नेतृत्व कर रहा होगा।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।